अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। आई माई सेल्फ शेख सुमैया ऑन बिहाफ ऑफ SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल फ्रॉम स्टैंडर्ड सेकेंड विल गोइंग टू टीच यू टूडे अरेबिक। और आज हम लोग देखेंगे एन टू काफ। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोगों ने अलीफ बात ऐसा पूरा कंप्लीट देख लिया था। ओके, तो चलो यहाँ देखते हैं ये क्या चीज़ है। ऐन, ऐन से क्या होता है? इनबुन। क्या है ये? इनबुन। इनबुन यानी ग्रेप्स। ये है ऐन। ऐन से क्या होता है? इनबुन। इनबुन का मतलब है ग्रेप्स। इसको क्या पढ़ेंगे? ऐन। ऐन से होता है इनबुन। इनबुन यानी ग्रेप्स। बच्चों मेरे साथ साथ आप लोगों को भी पढ़ना है ताकि आप लोगों को याद रहे। ओके, नाउ ये क्या है? गैन। गैन देखो यहाँ पर गैन ऐन जैसा ही लिखते हैं और ऊपर इस तरह से आपको नुक्ता करना है। तो गैन से क्या होता है? क्लाउड्स। गैन से होता है गैमुन। गैमुन यानी क्लाउड्स। गैन से होता है गैमुन। गैमुन किसे कहते हैं? क्लाउड्स को। चलो रीड करो मेरे साथ साथ। गैन से होता है गैमुन। गैमुन यानी क्लाउड्स। ओके बच्चों, नाउ ये है फा। फा देखो इस तरह से लिखा जाता है और ऊपर नुक्ता किया जाता है। फा से होता है फीलुन। फीलुन का मतलब है एलिफेंट। फीलुन का क्या मतलब होता है? एलिफेंट। फा से फीलुन। फीलुन यानी एलिफेंट। फा से फीलुन। फीलुन यानी एलिफेंट। काफ, ये बड़ी काफ है ना यहाँ पर, ये देखो ये बड़ी काफ है और दो नुक्ता किया है इसके ऊपर। काफ। काफ से होता है कतारुन। कतारुन यानी ट्रेन। काफ से होता है कतारुन। कतारुन यानी ट्रेन। काफ से कतारुन। कतारुन यानी ट्रेन। ये छोटी काफ है। छोटी काफ से क्या होता है? कुरतुन। कुरतुन यानी फुटबॉल। छोटी काफ से क्या होता है? कुरतुन। कुरतुन यानी फुटबॉल। छोटी काफ में देखो इस तरह से लाम जैसा लिखेंगे और बीच में ये एस जैसा आपको ड्रॉ करना है और इसको कहेंगे काफ। काफ से कुरतुन। कुरतुन यानी फुटबॉल। काफ को इस तरह भी लिखा जाता है ना? तो चलो हम वापस एक बार देखते हैं। ये क्या है? ऐन। ऐन से गैबुन। गैबुन सॉरी, ऐन से इनबुन। इनबुन यानी ग्रेप्स। ऐन से इनबुन। इनबुन यानी ग्रेप्स। ऐन से इनबुन। इनबुन यानी ग्रेप्स। ये आपको अच्छे से लिखना है और याद भी करना है बेटा। ऐन है ना, ऐन कैसे लिखे जाता है? इस तरह से ऐन लिखना है आप लोगों को। ऐन से इनबुन। इनबुन यानी ग्रेप्स। गैन। गैन कैसे लिखते हैं? जैसे ऐन लिखा ना अभी आप लोगों ने, यूं कैसे लिखना है? गैन और ऊपर नुक्ता करना है। तो गैन से गैमुन। गैमुन यानी क्लाउड्स। गैन से गैमुन। गैमुन यानी क्लाउड्स। गैन से गैमुन। गैमुन यानी क्लाउड्स। फा, इस तरह से फा लिखेंगे, ऊपर नुक्ता करेंगे। फा से फीलुन। फीलुन यानी एलिफेंट। फा से फीलुन। फीलुन यानी एलिफेंट। फा से फीलुन। फीलुन यानी एलिफेंट। काफ, ये बड़ी काफ है ना, इस तरह से काफ लिखेंगे और ऊपर दो नुक्ता करेंगे। काफ से कतारुन। कतारुन यानी ट्रेन। काफ से कतारुन। कतारुन यानी ट्रेन। काफ से कतारुन। कतारुन यानी ट्रेन। ये छोटी काफ है, इस तरह लाम लिखते हैं ना, इस तरह से लिखेंगे छोटी काफ और बीच में ये एस जैसा करेंगे। काफ सॉरी काफ।
काफ से कुरतुन, कुरतुन यानी फुटबॉल, काफ से कुरतुन, कुरतुन यानी फुटबॉल, काफ से कुरतुन, कुरतुन यानी फुटबॉल। तो यहाँ आज यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना और लिखना कैसा है वो भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। ओके चिल्ड्रन, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।